मैं विभा रानी। अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और इस अवेयरनेस के तहत मैं आज आपके सामने अपनी कुछ बातें साझा करने आई हूँ। मैं ब्रेस्ट कैंसर अचीवर हूँ। मैंने कैंसर की डिक्शनरी से 3 शब्द निकाले हैं और वहाँ 3 शब्द रिप्लेस किए हैं, इसलिए आपसे भी चाहूंगी कि आप भी आगे जब भी बोलें तो इन शब्दों का उच्चारण करें, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। सबसे पहला मैंने जो शब्द बदला है वह है सर्वाइवर से अचीवर। कैंसर सर्वाइवर बड़ा जरा लो लगता है, मैंने उसे बदल करके कैंसर अचीवर कहा है और कहती हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को भी कैंसर अचीवर कहती हूँ। दूसरा, जो हमारे कैंसर पेशेंट्स जिन्हें हम कहते हैं मरीज कहते हैं, और मरीज और पेशेंट कहते के साथ ही हमारा उनका चेहरा जो है बड़ा ही मॉर्निंग सारा चेहरा नजर आता है, हम उसे फाइटर की संज्ञा देते हैं कि वो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हमारे जुझारू हैं और लड़ाकू हैं, और वो इसलिए उनको हम कैंसर पेशेंट नहीं कहते, कैंसर फाइटर कहते हैं। और जो हमसे अनफॉर्चुनेटली दूर चले गए, बिछड़ गए, हमें मालूम है कि अंतिम अंतिम समय तक वैसे ही जैसे बॉर्डर पर जवान अंतिम अंतिम समय तक लड़ता है और फिर उसके बाद शहीद होता है, उसी तरीके से ही हमारे कैंसर वॉरियर्स हैं। कैंसर डेथ नहीं है, वो कैंसर से मरे हुए लोग नहीं है, कैंसर वॉरियर है। तो कैंसर अचीवर, कैंसर फाइटर्स और कैंसर वॉरियर आप ही उन्हें कहेंगे। हम सबको, हम सभी लोगों को, वो लोग जो कैंसर से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, उन सबको अच्छा लगेगा। अब आइए कि हम ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसका ये मतलब है कि संसार में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है। आप कभी भी अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोताही न बढ़िए बरतिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, अच्छे हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, आप 2 सलाह ले लीजिए, 3 सलाह ले लीजिए जितने, लेकिन आप अच्छी जगह जाकर के उसका इलाज करवाइए। और हाँ, आपको कोई कहे कि फलाने ये बाबा के पास ये भभूत है, ये थूनी है, ये कपड़ा है, ये पानी है और ये जल है, इन सब में प्लीज़ आप ना पड़ें। इस तरह की चीज़ों में से कहीं कोई बीमारी का इलाज नहीं होता है, ये एक साइंटिफिक बीमारी है तो साइंटिफिक तरीके से ही इसका इलाज होगा। और अपने भीतर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने भीतर एक सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि आपके जीवन से आपके नज़दीक के जितने भी लोग हैं उनका भी जीवन जुड़ा हुआ है। आप रोएंगे तो आपके साथ साथ बाकी सारे लोग भी ऐसे ही बेचारे जो है वो उदास बने रहेंगे। और इसे इतनी बड़ी बीमारी ना समझिए। बड़ी बीमारी जितनी भी हैं, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी जो बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, तो ये भी बड़ी बीमारी है, लेकिन बाकी बीमारियों पे हम हाय तौबा नहीं मचाते हैं। हमारा किडनी खराब होता है तो उतनी हाय तौबा नहीं मचाते हैं, कैंसर के नाम से ही हम एकदम से मरे मरे हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। बीमारी बड़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है, खर्च बड़ा है इसमें कोई दो राय नहीं है, पीरियड इसमें ठीक होने में बड़ा लगता है कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे जो है हमारी हिम्मत है, हमारी एनर्जी है, और उसे आप बनाए रखें, क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हम यहाँ हिम्मत औरता मर्दद खुदा होता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर तो हमें ही होता है ना, हम औरतों को ही होता है। और ब्रेस्ट के साइज वाइज पे मत जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको और बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट रिमूवल नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि हर केस में डॉक्टर को कैंसर हुआ और डॉक्टर ने ब्रेस्ट काट करके फेंक दिया, ऐसा नहीं है। जहां जरूरत होती है, बीमारी का लेवल अगर वो है तो डॉक्टर उसको काटेगा, अगर लेवल वो नहीं है तो उसके भीतर जो गांठ है उसको निकालेगा, या जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर उसको करेगा। तो इसके ऊपर आप जरा सा ध्यान रखिए कि ये तीसरी बात, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे अंदर जो बैठा हुआ है कि ब्रेस्ट हमारे बदन का सबसे खूबसूरत अंग है। भैया, मैं माताओं, बहनों, भाभियों, दीदियों, बेटियों, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है। सारी शरीर का हर अंग हमारा बहुत खूबसूरत है, कानी उंगली का काना नाखून भी हमारा बहुत खूबसूरत है, हम उसे ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन जब जान बचाना होगा, तो अगर जान बचाने के लिए, जान बचाने जिंदगी से बढ़ के खूबसूरत और कुछ
नहीं होता है, तो जिंदगी बचाने के लिए अगर आपको ब्रेस्ट कटवाना पड़ता है तो आप कटवाइए और जिंदगी बचाइए। जैसे अगर पैर कटवाना पड़ता है तो पैर कटाइए और जिंदगी बचाइए, अगर ऑप्शन कुछ नहीं है तो। और मैं आपको पांच बार ये देती हूँ कि सबसे खूबसूरत नहीं है, मैं आपको फिर से उदाहरण देती हूँ कि अगर डॉक्टर ने कहा कि जान बचाने के लिए आपको अपने शरीर का एक अंग कटवाना पड़ेगा तो आप कौन सा अंग कटवाना पसंद करेंगे? आंख, नाक, दोनों हाथ, दोनों पैर और ब्रेस्ट? आप सोच लीजिए, सोच करके हमें बताइएगा कि इन पांचों में से कौन सा अंग कटवाना पसंद करेंगे। उसी तरीके से हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन एंड यूट्रस, इन पांचों में से किसे आप कटवाना पसंद करेंगे अगर जान बचाने के लिए किसी एक को कटवाना है तो? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रेस्ट हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और सबसे खूबसूरत, और ये नहीं रहा तो हमारी खूबसूरती चली जाएगी? इस मर्दवादी सोच से बाहर निकलिए। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसमें आप अपने ब्रेस्ट की सेल्फ जाँच आप जरूर कीजिए, जरूर करवाइए, और अगर थोड़ा सा भी आपको शक होता है आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास दौड़ लगाइए। और गायनेकोलॉजिस्ट के पास मत जाइएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो कैंसर और खास करके ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हो उनके पास जाइएगा। बस फिलहाल मैं आपसे इतना ही कह करके इजाजत लेती हूँ। कभी भी आपको हमारी जरूरत लगे तो मैं फेसबुक पर, मैं जितने सारे मीडिया सोशल मीडिया पर हूँ, आप मुझे खोज लीजिए, मुझसे जो भी सलाह बन पड़ेगा, जो भी मदद बन पड़ेगी, मैं ज़रूर आपके सामने रहूँगी और आपको बता करके मुझे खुशी होगी, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार।